आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और तत्काल आप उसे शेयर कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक जितनी भी सूचनाएं आपको दी वो सत्य सटीक और तथ्यपरक रही हैं। मैंने सेना की रैलियों की बात की थी, अब देखिए सेना में भी वैकेंसी निकलने चल रही है और युवाओं को बहुत जल्दी ही रैलियों के माध्यम से सीधी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। जो इंडियन आर्मी में कार्य करना चाहते हैं वो आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके इस बाबत सूचना भी समाचार पत्रों में भी आ चुकी है जब मैंने आपको सूचना दी थी। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देना चाहेंगे एलटी ग्रेड के लिए। एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी प्रवक्ता के लिए दो अलग अलग चीज़ें बन चुकी हैं। पहले तो लोक सेवा आयोग इस बात को लेकर के कार्य कर रहा है कि हम अगर एलटी ग्रेड का विवाद दो चार दिनों में नहीं सुलझ जाता, मतलब मसलन 12 तारीख तक, तो जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इस बाबत आज कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और उसे उनसे इस बारे में जानकारी ली गई, तो पूरी तरीके से विज्ञापन तैयार होने के बावजूद भी कला के इस विवाद का निस्तारण न हो पाने के कारण तिथि जो है चीज़ें लटक गई हैं। और सबसे बड़ा समस्या आपके टेक्निकल फाइन और बीएफए को लेकर के हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मामला ये लटका हुआ है, लेकिन आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को जब हमने ज्ञापन सौंपा ईमेल के माध्यम से और जो है आदरणीय मंत्री महोदया से मैंने बात की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो हमारे रिलेशन में आती हैं, हमारे घर की हैं वो, इसलिए हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम तो उनसे डायरेक्ट टेलीफोन पे बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अब आप समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हम फेंक रहे हैं, हम फेंकते उकते नहीं हैं, फेंकना और लपेटना अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। उनसे बातचीत करने के बाद उनसे यही रिक्वेस्ट की गई कि शासन स्तर पर, चूँकि वो शासन स्तर पर हैं, शासन में हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि वो जो है इन सारी चीज़ों के मामले को 12 तारीख तक निपटवाएं। और जो एक्सपर्ट टीम शासन स्तर से बनाई गई है, जो चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई, जैसे एससीईआरटी के एक लोग, एक मेंबर रिटायर्ड मेंबर हैं, और कुछ लोगों को सारी चीज़ें बता करके कही गई, कई विषय विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं, हाँ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब बातें हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को इसका निष्कर्ष 12 तारीख के भीतर वो देखने के लिए मिल जाएगा। मजे की बात यह है कि पहली बार तो एलटी और जीआईसी का विज्ञापन एक साथ आ रहा है, और उससे भी ज़्यादा मजे की बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के दोनों कैटेगरियाँ, चाहे वो मतलब गर्ल्स हों या बॉयज हों, एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन में क्या महिलाओं को भी मिलेगा, तो अवश्य ही बहन जी आप लोगों को भी मिलेगा। 3 वर्ष की छूट पहले लोक सेवा आयोग आपको देने चल रहा है ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, और पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने इस मांग को मान ली है, और लोक सेवा अध्यक्ष के साथ में बहुत जल्दी ही उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बैठक होने चल रही, मीटिंग होने चल रही है, और उस मीटिंग में आपके इस मुद्दे को अवश्य ही मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उठाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें होंगी, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। प्रयास पूरा है कि आप सभी लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर पीसीएस में प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए तो हम लोग पूरे प्राणपण से जुटे हुए हैं कि इस मामले का कितनी जल्दी निस्तारण कर दिया जाए ताकि आप सभी लोगों को विज्ञापन आदि जो है वो बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाए। लेकिन मेरे भाई बहनों एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जो शासन स्तर पर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो जो कार्रवाइयाँ सुखद हैं, हमारे उन भाई बहनों के लिए सुखद हैं जिन भाई बहनों ने तैयारी के लिहाज से अपने जो है स्ट्रेटेजी को तैयार किया है कि हमें इस बार नौकरी ले लेनी है। और आपको मैं ये भी बता दूँ, यदि इस बार आप लोग नौकरी ले पाने में अक्षम हुए तो आप लोगों को पछताना पड़ेगा, इसलिए
पूरी तैयारी करिए, पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को एक बेहतरीन एसटीडी मटेरियल के साथ साथ एक बेहतरीन गाइडलाइन भी प्रोवाइड करा रहा है, तो आप सभी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन तो आना सुनिश्चित हो चुका है, पूरी तरीके सुनिश्चित हो गया है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका जो है वो जून माह में जारी कर दिया जाएगा। जो ये इस तरीके की खबरें आ रही थी जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, शासन स्तर पर भी इस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि मतलब इस मामले का निस्तारण करके फटाफट जो है विज्ञापन आज जारी कराया जाए। भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में अगस्त माह में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मतलब अगस्त में पेपर हो जाना है, सितंबर अक्टूबर 31 अक्टूबर तक अध्यापकों का चयन करके विद्यालय में प्रेषित कर देना है। एलटी ग्रेड में कम से कम आपको 13,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता में आपको कम से कम 3100 पद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वैकेंसियाँ इतनी हैं तो मतलब जाहिर सी बात है उसमें फाइट भी अच्छी खासी होगी, है ना। फाइट अगर अच्छी खासी हो गई तो आप तभी उनके आगे टिक पाएंगे, तभी उनसे लड़ पाएंगे जब आप बेहतर तैयारी करेंगे। बेहतर तैयारी करनी है तो आ जाइए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और 9714-4513 ये व्हाट्सअप नंबर याद कर लीजिए, सेव कर लीजिए। इस पे आप स्टडी मटेरियल वगैरह एकदम बिंदास प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र है वो पूरी तरीके से। और जो विद्यार्थी लिए हैं, आज भी लगभग 70-80 लोगों का मैटर डिस्पैच हुआ है, भले ही हम अस्वस्थ हों लेकिन जो है हमारी टीम तो हमेशा कार्य में लगी रहती है ना। इसलिए आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन पेपर इस बार अच्छा खासा होने चल रहा है। वनडे फॉर्मेट को देखते हुए जो है बहुत सारे बदलाव लोक सेवा आयोग जो है एलटी जीआईसी में कर चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर विषय के सम्मुख उसकी अस्पष्ट योग्यता होगी, कई नई डिग्रियां भी शामिल की जा रही हैं। तो हमारे उन सभी भाई बहनों को जो लोग नई नई डिग्रियां प्राप्त करके आए हुए हैं और जो है मतलब वो ये चाहते हैं कि उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, क्योंकि कहीं 1921 की नियमावली है तो कहीं 1982 की नियमावली है, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जो डिग्रियां नई नई आई हैं मार्केट में, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कई डिग्रियाँ देता है, तो आप सभी लोगों को डिग्रियां भी सम्मिलित होंगी। और ये तय हो चुका है कि 13,000 पदों पर आपकी एलटी ग्रेड और 3100 पदों पर आपका जीआईसी प्रवक्ता, ये वैकेंसी आपकी आनी तय है, ठीक है। और ये वैकेंसी 15 जून के बाद कभी भी आ सकती है, जून से जुलाई नहीं होने पाएगा। वजह इसकी यह है कि जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए शिक्षकों का चयन बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि कहीं भी शिक्षक की इतनी टोटे हैं जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजों में कि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगा। और विद्यार्थियों से ज़्यादा अधिकारी परेशान हैं कि जल्दी से इसका निराकरण हो जाए ताकि हम विज्ञापन जारी कर दें, ताकि हम परीक्षा करा लें। जो टाइम स्लॉट हमारा खाली जा रहा है उस टाइम स्लॉट में हम जो मतलब वो करा लें, पेपर करा लें, है ना। जैसे 17 तारीख को अभी आपका पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है, और इस प्रीलिम्स के पेपर के बाद मेंस के भी एग्जाम उनके कराने हैं। मेंस के लिए वो जाहिर सी बात है टाइम स्लॉट अलाट करेंगे अगस्त या सितंबर का, या मान लीजिए नवंबर तक ले जा सकते हैं। उसके पहले एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। चलिए बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। जैसा कि आज आप लोगों ने कई समाचार पत्रों में या कई चैनलों में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि तदर्थ शिक्षकों ने कल योगी जी का बर्थडे उड्डे मना करके केक को काटा था और उनसे जो है मतलब रोजगार के संकट के विषय में बातचीत की थी। वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जाहिर सी बात है कान पकड़ के बाहर कर दिए जाएंगे। और शासन स्तर पर इनको सम्मिलित करने का चाहे जितना भी कार्य कर लिया जाए, लेकिन इनके पदों को, इनको एक पूर्ण टीचर नहीं रहने देंगे, ये तो तय कर लिए हैं, ये पूर्ण टीचर नहीं रहेंगे। पूर्ण टीचर करने इनको अंशकालिक अगर रखना है, किसी मानदेय पर रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन इनके पदों को नई वैकेंसी में शामिल करके इन लोगों को कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, वो तो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके आदेश की अवहेलना करना बहुत ही घातक हो सकता है। और वकीलों से बातचीत की जा चुकी है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव महोदय से भी आज हमारी एक्सपर्ट टीम मुलाकात करके आई हुई है, और उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि विज्ञापन हम आपका जून माह में ही जारी कर देंगे, ठीक है। 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य लोग आ रहे हैं, और पूरी टैगलाइन है कि आप सभी लोगों का पेपर जो है
वो अक्टूबर माह में टीजीटी का करा लिया जाए, ठीक है, और 31 दिसंबर 2022 तक आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी को फाइनल कर दिया जाए। इसको फाइनल करने का एकमात्र यही टारगेट है कि ताकि मतलब नई प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सके और नई नियमावली संशोधित करके नई चीजें कराई जा सके, नई शिक्षा सेवा नियमावली भी बनेगी, नई शिक्षा नीति बनेगी, तमाम चीजें परिवर्तित होंगी। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर क्या सुपर टेट की अधिसूचना आ गई है क्या? तो भैया मेरे, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, और मैं जहां तक जानता हूं सुपर टेट का जो अधिसूचना होगी, विज्ञापन होगा, वो जुलाई माह में 19 तारीख के बाद ही आ सकता है, मतलब आएगा। जो SCERT से हमें सूचना प्राप्त हुई है, जो सचिवालय से हमें सूचना प्राप्त हुई है, जो बेसिक शिक्षा निदेशालय से हमें सूचना प्राप्त हुई है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सुपर टेट का विज्ञापन नहीं आएगा, सुपर टेट का विज्ञापन आएगा, निश्चित आएगा, 100% आएगा, लेकिन BEd केस फाइनल होने के बाद, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, पढ़ाई करते रहिए, 14 सब्जेक्ट होते हैं, और अगर 130 138 क्वेश्चन करना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के स्टडी मटेरियल ले लो, नोट्स ले लो, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके UP SSC को लेकर के। इसमें UP SSC नोटिस है, पर नोटिस एकदम मारे जो एकदम झनाझन जारी। पेट को लेकर के सहमति बन चुकी है कि इसके कट ऑफ को कम किया जाएगा ताकि और भी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकें। नए पेट के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है, नए पेट को कराने के लिए कि भाई हमें नया पेट कराना है, तो शासन इस पे जो है 15 तारीख के बाद ही मंजूरी दे सकती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल उन्होंने इस मैटर को खारिज कर दिया है, ठीक है, और इन सारे विवादों का निपटारा करने के लिए कहा है। और मंत्री महोदया से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कराई थी कि लेखपाल की भर्ती में इन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए, जो विद्यार्थी 8 8 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से कट ऑफ जो है हाई रख दिया इन्होंने कि हम पेट में इतने कट ऑफ लेंगे, इसके पीछे वाले विद्यार्थी सब कबाड़ा हो गए, उनको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। हम कैसे, एक डिप्रेशन बढ़ता है ना। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि UP SSC लगभग इस बारे में मोहर लगा चुकी है कि पेट के कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन किया जाएगा, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो आज बेसिक शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है आपके एडेड जूनियर को लेकर के। साथ ही साथ तमाम कोर्ट केसेस की फाइलें मंगाई गई हैं, 12,460 वाला मामला जो है उसकी भी रिपोर्ट पूरी मंगाई गई है ना, और 12,460 का मामला भी बहुत जल्दी ही निपटने वाला है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नई जो वैकेंसी आनी है उसके बारे में भी पूरा लेखा जोखा मंगाया जा रहा है, शासनादेश उसके लिए भी है, कहाँ कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, कहाँ कितने पद खाली हैं, कितने शिक्षक रिटायर हुए हैं, कितने पदों की आवश्यकता है, कितनी भर्तियों की आवश्यकता है, इन सारी चीजों का लेखा जोखा मांगा गया है। एडेड जूनियर को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने सारी चीजें जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर छोड़ दी है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात बातचीत हुई है, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो है मतलब इस एडेड जूनियर की भर्ती को हम 15 जून के बाद स्टार्ट करेंगे, 15 जून के बाद मेरिट आदि को हम जारी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 दिन के अंदर काउंसलिंग करा कर कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपके ओरिजिनल दस्तावेज ऑनलाइन सारे प्रोसेस होंगे, आपके ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन होकर के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, और उसी से मैचिंग होगी। जब आप नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे और ज्वाइनिंग लेटर आप लेने जाएंगे तो वहीं पर आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सारी चीजें होंगी। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, 7500 नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए भी और 1369 आपके SDI के विज्ञापन के लिए भी, आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद और स्नेह की वजह से आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सुखद महसूस कर रहा हूँ मैं। इसलिए आप सभी लोगों की दुआओं को मैं सिरोधार्य करता हूँ, और इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य भी कर पाया। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो जाए। कोई हमारा भाई या कोई हमारी बहन ये ना कहे कि सर हम जो है असफल हो गए, है ना। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ, बिंदास इस चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दिया करिए, और निश्चित सफलता यदि LTGIC TGT PGT टेट सीटेट सुपर टेट किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपको निश्चित सफलता चाहिए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 97 41 13 85 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।